गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंडरी सेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेकेंडरी सेल? सेकेंडरी सेल होता क्या है? सेकेंडरी सेल मीन्स रिचार्जेबल सेल, ठीक है ना। इट कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग डायरेक्ट करेंट थ्रू देम एंड कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। सेकेंडरी सेल ओके कैन बी रिचार्ज बाय पासिंग डायरेक्ट करेंट थ्रू इट And can be used again and again। उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में जैसे हम लोग बात करेंगे बेटा, ये एक रिचार्जिंग सेल है, ठीक है ना। यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे लेड स्टोरेज बैटरी एक एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल है निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी का। लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में होता क्या है, सबसे पहले जान लो कि लेड स्टोरेज बैटरी में होता क्या। तो इट कंसिस्ट ऑफ 6 वोल्टाइक सेल, ठीक है। इसमें 6 वोल्टाइक सेल होता है कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इन इच सेल एनोड इज मेड अप ऑफ लेड एंड द कैथोड इज अ ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड PbO2 एंड द इलेक्ट्रोलाइट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 विच इज 38% बाई मास। मतलब H2SO4 का सॉल्यूशन है, उसमें H2SO4 का कंसेंट्रेशन कितना है, 38% बाई मास। मतलब 38 ग्राम H2SO4 मौजूद है 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक है, समझ रहे हो। तो 6 आपको इस तरह का सेल होगा और उसको हम लोग कनेक्ट करेंगे सीरीज में, तो हमको लेड स्टोरेज बैटरी मिलेगी। लेड स्टोरेज बैटरी का यूज कहां पे होता है बेटा, ऑटोमोबाइल्स में, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, याद रखना ऑटोमोबाइल्स में इसका यूज होता है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। अब तो क्या रिएक्शन होगा, ठीक है ना, सेल रिएक्शंस क्या होगा जब ये काम करेगा बेटा। इससे हम इस बैटरी से मान लो पंखा चलाएंगे या लाइट जलाएंगे तो उस समय क्या होगा, डिस्चार्जिंग के समय इसका रिएक्शन क्या होगा, ये सबसे पहले हम लोग जानेंगे, ठीक है। व्हाट रिएक्शंस विल टेक प्लेस ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल रिएक्शन, ये कब का सेल रिएक्शन बता रहे हैं, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग सेल तो समझ में आ गया, इसमें लेड काम करेगा एनोड की तरह और लेड का एक ग्रिड रहेगा, उसमें क्या पैक रहेगा, PbO2। वो किसके तरह काम करेगा बेटा, कैथोड की तरह, ठीक है ना। और यहां पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो निगेटिव टर्मिनल आता है उसी वही एनोड होता है, ये एनोड रहेगा, ये क्या हो जाएगा बेटा यहां पे, कैथोड की तरह, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, जब ये सेल काम करेगा तो उस समय क्या रिएक्शन होगा, इसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो तो क्या रिएक्शन होगा बेटा, सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है उसको देखते हैं। एनोड पे जो पीबी है ना, ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Pb2+ आयन में, और कहां चला जाएगा, ये सॉल्यूशन में जाएगा, ठीक है। Pb2+ आयन, Pb2+ आयन प्लस SO4 2- आयन, ये किसमें कन्वर्ट होने लगा, PbSO4 में, यानी ये लेड जो है ये भी कन्वर्ट होने लगा क्या चीज में, लेड सल्फेट में, लेड सल्फेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा। तो पीबी का कन्वर्सन जो है, ये जो एनोड है उसका पीबी का कन्वर्सन किसमें हो जा रहा है, PbSO4 में। पीबी गिव्स Pb2+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Pb2+ आयन विल कंबाइन विद SO4 2- आयन टू फॉर्म PbSO4 विच विल बी डिपोजिटेड ऑन द सर्फेस ऑफ लेड, ठीक है ना, ऑन द सर्फेस ऑफ एनोड। तो पीबी प्लस SO4 2- आयन PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एनोड का रिएक्शन। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होता है, कैथोड किसका है, PbO2, वहां पे क्या होगा, कैथोड पे हमेशा क्या होता है अपना, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा देखते हैं, कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, रिडक्शन किसका रिडक्शन होगा, डेफिनेटली PbO2 का रिडक्शन होगा। PbO2 का रिडक्शन कैसे होता है, PbO2 जो है ये भी कन्वर्ट होने लगेगा Pb2+ आयन, Pb2+ आयन, यहां पीबी का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, यहां कितना बेटा +2 है, तो यहां पे क्या लगा देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्सीजन यहां दो है, यहां एक भी नहीं है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहां क्या लगाएंगे, 2H2। अब इसके बाद हाइड्रोजन बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपका 38% H2SO4, तो दो दूनी चार, यहां क्या हो जाएगा बेटा 4H+ आयन। ठीक है, Pb2+ आयन जो है ये भी कंबाइन करेगा किसके साथ, SO4 2- आयन के साथ, और कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में, व्हाइट कलर का PbSO4 में। यानी नेट रिएक्शंस क्या हो रहा है कैथोड पे, अगर ये दोनों को हम ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, Pb O2 + SO4 2- आयन, ठीक है, प्लस 4H+ आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स, ये तो Pb2+ आयन कट गया, PbSO4 + 2H2। ये रिएक्शन कहां होगा बेटा, दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड। ठीक है, ये रिएक्शन हमारा कहां पे होगा, कैथोड पे। ये चीज क्लियर है, कैथोड पे भी PbO2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में। यहां भी जो PbSO4 है इस पे डिपॉजिट होने लगा, PbO2 कन्वर्ट होने लगा PbSO4 में। एनोड पे PB किसमें कन्वर्ट होने लगा, PbSO4 में। अब देखो बेटा यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब निकल रहा है एनोड से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से होते हुए कहां जाएगा, कैथोड पे, यानी करंट फ्लो होगा सर्किट में। ठीक है ना, ये एनोड से निकलेगा और कैथोड की तरफ जाएगा, कितना, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर एक पीबी लेते हैं तो उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब देखो जरा सा ओवरऑल सेल रिएक्शंस क्या हो जाएगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, ओवरऑल सेल रिएक्शन कब, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, क्या रिएक्शन होता है जरा सा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, ये एक नंबर और दो नंबर को ऐड कर, अगर ऐड कर दें तो क्या आएगा हमको बताओ, कोई बताओ, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को ऐड कर देते हैं, पीबी किसको किसको ऐड करेंगे, 1+2 दोनों को ऐड, पीबी प्लस PbO2 प्लस SO4 2- आयन SO4 2- आयन 2SO4 2- आयन 4H+ आयन 4H+ आयन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, PbSO4 PbSO4 2 PbSO4 प्लस क्या होगा बेटा 2H2। ठीक है, अब देखो 2H+ आयन 1 SO4 2- आयन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा, 1 H2SO4, यहां पे 2 SO4 2- आयन या 4H+ आयन, तो क्या हो जाएगा 2H2SO4, तो Pb+PbO2+ क्या होगा 2H2SO4 gives 2PbSO4+2H2। ये हो जाएगा ओवरऑल सेल रिएक्शंस, कहां पे कहां का सेल रिएक्शंस हो जाएगा, ये पूरा का पूरा सेल रिएक्शंस, मतलब जब ये सेल वर्किंग में रहेगा, जब हम इसको यूज करेंगे, इससे पंखा चलाएंगे या लाइट जलाएंगे, तो उस समय क्या हो रहा है, Pb+PbO2+2H2SO4 gives 2PbSO4+2H2, दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शंस ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। यहां पे एक चीज देखने लायक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन कितना हो रहा है, 2, यानी कि अगर 2 मोल H2SO4 आपका कंज्यूम होगा तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रेवल करेगा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 2 × 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी, अगर 1 मोल H2SO4 का कंजम्पशन होता तो 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल द कंसेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। ठीक है, एज द सल्फेट आयंस आर कंज्यूम टू फॉर्म PbSO4, सल्फेट आयन का क्या हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, यहां भी देखो यहां भी देखो, तो
सल्फेट आयन का कंजम्पशन हो रहा है यानी H2SO4 का कंजम्पशन हो रहा है, तो H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा। और सल्फेट आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PbSO4 में, ठीक है। द PbSO4 प्रेसिपिटेट्स एंड पार्शियली गेट्स कोटेड ऑन बोथ द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, एंड वाटर फॉर्म डाइल्यूट्स द सल्फ्यूरिक एसिड विद द डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द बैटरी कैन बी चेक बाई मेजरिंग द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन का, H2SO4 सॉल्यूशन का डेंसिटी चेक करके हम बता सकते हैं कि क्या स्थिति होगा, क्या चीज का, इस सेल का क्या स्थिति होगा। मेरा बात समझ में आया, ठीक है। इस सेल का स्थिति कैसे पता चलेगा बेटा, कि इस H2SO4 का, चूंकि जैसे जैसे सेल यूज करेंगे उसमें H2SO4 का कंजम्पशन हो रहा है, तो H2SO4 का कंसंट्रेशन क्या होगा, घटेगा, ठीक है। H2SO4 का कंसंट्रेशन घटेगा, साथ ही साथ इस रिएक्शन में बन क्या रहा है, PbSO4 एनोड और कैथोड दोनों पे, तो इस पे क्या जमा होने लगेगा, व्हाइट कलर का PbSO4 जमा होने लगेगा, ठीक है। रवा समझ में आ रहा है। और जैसे जैसे H2SO4 का कंसंट्रेशन घटेगा वैसे वैसे सॉल्यूशन का डेंसिटी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो डिक्रीजेस। बात समझ में आ रहा है ये चीज, नोट कर। ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द सेल मींस लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस एज द सल्फेट आयन इज कंज्यूम्ड टू फॉर्म PbSO4, ओके। द PbSO4 प्रेसिपिटेट्स एंड पार्शियली गेट्स कोटेड ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स एंड वाटर फॉर्म डाइल्यूट द सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे जैसे सेल रिएक्शन हो रहा है, ये जो Pb है बेटा, ये इसके, ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, PbSO4 में, इसके ऊपर में जमा हो जा रहा है। PbO2 भी PbSO4 में कन्वर्ट हो रहा है, वो भी इसके ऊपर में जमा होते जा रहा है, ठीक है ना। मतलब ये क्या हो जा रहा है, और H2SO4 का कंसेंट्रेशन घटेगा, ठीक है ना। वाटर बनेगा, उससे क्या हो जाएगा, H2SO4 का सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा सा ध्यान देना, हम क्या बोले कि ये Pb किस में कन्वर्ट हो गया, आपको PbSO4, लेफ्ट साइड में जो Pb है ये कन्वर्ट हो जा रहा है PbSO4, PbSO4, ठीक है। राइट साइड में जो Pb है ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, PbSO4, PbSO4, राइट। तो आफ्टर डिस्चार्जिंग ये हो जाएगा Pb, PbSO4 में, PbO2 भी किस में कन्वर्ट हो गया, PbSO4। अब यानी कि यहां पे H2SO4 है, क्लियर है चीज। और जैसे जैसे ये डिस्चार्ज होगा डेंसिटी भी सॉल्यूशन का, H2SO4 सॉल्यूशन का क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है ना। और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या हो रहा है, Pb ये रिएक्शन हो रहा है एनोड पे और ये रिएक्शन कैथोड पे, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ओवरऑल सेल रिएक्शन हो रहा है। अब रिचार्जिंग कैसे होगा बैटरी का, हाउ विल यू रिचार्ज द बैटरी, बैटरी को हम रिचार्ज कैसे करेंगे, ठीक है ना। देखो डिस्चार्ज होने के बाद ये स्थिति हो जा रहा है बैटरी का, अब इसको हम रिचार्ज कैसे करेंगे, रिचार्जिंग द बैटरी, रिचार्जिंग द बैटरी, हाउ विल यू रिचार्ज द बैटरी, बैटरी को कैसे रिचार्ज। देखो बेटा बैटरी को रिचार्ज कैसे करेंगे, जरा सा ध्यान देना। बोलता है कि द बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय कनेक्टिंग इट टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करेंट, इसको हम एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करेंट से कनेक्ट करेंगे, यहां पे कनेक्ट करेंगे इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करेंट, यह है सोर्स ऑफ डीसी, सोर्स ऑफ डीसी डायरेक्ट करेंट, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, विद द वोल्टेज ग्रेटर देन 12 वोल्ट। अगर मान लो 12 वोल्ट का बैटरी है तो उससे मैक्सिमम वोल्टेज इससे कितना मिला हमको, 12 वोल्ट, तो जितना इसका ईएमएफ होगा हर एक सेल का, मान लो दो ईएमएफ हर एक सेल का, 6 वोल्ट एक सेल, तो 6 दुनी 12 वोल्ट का बैटरी हो गया, तो हमको उसको रिचार्ज करने के लिए 12 वोल्ट से ज्यादा करेंट का सप्लाई करना पड़ेगा,
अगर नहीं सप्लाई करते हो तो ये तो डिस्चार्ज होने लगेगा। जैसे देखते होंगे घर में कभी कभी वोल्टेज बहुत कम हो जाता है बेटा, तो क्या होता है कि आपका जो पंखा चलता है उस समय आपके बैटरी से चलता है, आपका लाइट आपकी बैटरी से चलता है। जब तक उसको जितना उसका वोल्टेज है उससे ज्यादा वोल्टेज उसको नहीं मिलेगा, एक्सटर्नल पोटेंशियल ज्यादा नहीं होगा, तब तक रिचार्ज नहीं होगा। तो इसको रिचार्ज करने के लिए इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं एक एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है ना। और वो सोर्स क्या होना चाहिए, डीसी डायरेक्ट करंट का सोर्स होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट करंट पास करके इसको हम रिचार्ज कर सकते हैं। तो द बैटरी कैन बी रिचार्ज बाय कनेक्टिंग इट विद डायरेक्ट सोर्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट विद वोल्टेज ग्रेटर देन कितना होना चाहिए 12 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो इसमें क्या होगा, इट फोर्सेस द इलेक्ट्रॉन इन अपोजिट डायरेक्शन। पहले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता था, अब क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन, यहां से यहां जाना चाहिए, ठीक है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डिपोजिशन ऑफ पीबी ऑन एनोड। ये जो एनोड किसमें कन्वर्ट हो गया था, पीबी, पीबी SO4 में कन्वर्ट हो गया था, ये अब फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाए, पीबी में हो जाए, ठीक है ना। कैथोड भी पीबी SO4 में कन्वर्ट हो गया था, वो फर्स्ट फिर से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PbO2 में, ठीक है ना। ये चीज होना चाहिए, ठीक उसका उल्टा होना चाहिए, ठीक है। डिस्चार्जिंग किसमें, पीबी कन्वर्ट हो गया था PbSO4 में, PbO2 में, PbSO4 में, अब क्या होना चाहिए, रिचार्ज करने पे ये PbSO4 किसमें हो जाना चाहिए, पीबी में, और ये PbSO4 किसमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, PbO2 में। तो इसके लिए हम क्या किए, इसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो रिचार्जिंग के समय में रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज जान लो, ड्यूरिंग क्या बोलते हैं रिचार्जिंग द सेल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप लिख सकते हो ड्यूरिंग, पहली बात है ड्यूरिंग रिचार्जिंग, रिचार्जिंग द सेल बिहेव्स एज किसकी तरह बेटा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह ये बिहेव करेगा, ठीक है। तो रिचार्जिंग रिएक्शंस क्या होगा, ठीक उल्टा होगा डिस्चार्जिंग का। डिस्चार्जिंग में क्या होता था, अच्छा एक चीज और जानो, अब ये काम करेगा जो एनोड था हमारा, वो काम किसके तरह करने लगेगा, कैथोड की तरह, और ये किसके तरह काम करेगा आपको, एनोड की तरह, ठीक है। यानी इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है। तो क्या रिएक्शन होगा बेटा, यहां पे क्या रिएक्शन होगा, इस जगह कैथोड का रिडक्शन होता है, क्या होगा, यहां पे क्या होता था, पीबी ऑक्सीडाइज होता था PbSO4 में, तो अब क्या होगा, PbSO4 जो है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिब्स क्या हो जाएगा, पीबी प्लस SO4, ठीक उसका उल्टा होगा, ठीक है। और एनोड पे क्या रिएक्शन होगा बेटा, ये जो एनोड है इस पे भी क्या रिएक्शन होगा, यहां पे क्या हुआ था पहले, PbO2 कन्वर्ट हुआ था PbSO4 में, अब PbSO4 किसमें कन्वर्ट होगा, PbO2 में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स, बोलो PbO2, ठीक उसका उल्टा रिएक्शन जो पहले दिखाए थे, PbO2 प्लस SO4 2- आयन प्लस क्या हो जाएगा, 4H प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, लिखे हो ना पहले वाला, ठीक उसको उलट दी, यहां पे जो रिएक्शन हो रहा था, ठीक है ना, वो रिएक्शन यहां पे होगा लेकिन उल्टा होगा, पहले होता था पीबी कन्वर्ट होता था PbSO4 में, अब PbSO4 पीबी में कन्वर्ट होगा। यहां पे क्या रिएक्शन होगा बेटा, यहां पे पहले PbO2 कन्वर्ट हुआ था PbSO4 में, PbSO4 PbO2 में, पूरा का पूरा रिएक्शन उलट जाएगा, नेट रिएक्शंस भी उलट जाएगा, क्या हो जाएगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O गिव्स पीबी प्लस PbO2, अब देख सकते हैं यहां से, ठीक है ना, प्लस 2H2SO4, ये प्लस 2H2SO4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस सेल में, मतलब ये कब का केस हम बता रहे हैं, रिचार्ज, रिचार्ज, ठीक है।
बोलता है सच एन ऑपरेशन बिकम्स पॉसिबल बिकॉज PbSO4 फॉर्म ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑपरेशन इज अ सॉलिड एंड स्टिक टू द इलेक्ट्रोड्स. ठीक है, देयरफॉर इट इज इन पोजिशन टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, अब ऑटोमोबाइल में क्या होता है बेटा, इन एन ऑटोमोबाइल द बैटरी इज डिस्चार्ज व्हेन द इंजन इज स्टार्टेड. जब आप इंजन स्टार्ट करते हो बैटरी क्या होता है, डिस्चार्ज. व्हाइल रनिंग द इंजन इंजन पावर्स द अल्टरनेटर. ठीक है ना, विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सफिशियंट इनफ टू रिचार्ज द बैटरी. जब चालू हो जाता है तो वो क्या होता है, आपको जो इंजन है, ठीक है ना, द इंजन पावर्स द अल्टरनेटर विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी सफिशियंट इनफ टू रिचार्ज द सेल. ठीक है, सेल को रिचार्ज कर पाता है. तो ये था हमारा सेकेंडरी सेल. मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सेकेंडरी सेल का रिएक्शन. रिएक्शन पूछता है ये.